सबसे आगे। अरे खोलो टीवी खोलो। किधर कौन? तो स्वागत कीजिए अदनान के अनोखे कोलकाता के रसगुल्ले नीलाद्री चैटर्जी का और उनके साथ है टीवी स्टार्स दिलीप जोशी एंड दिशा वखानी। जोरदार तालियां गाइस। थैंक यू जय, पर ऐसे स्टार बार मत बोलो, अच्छा नहीं लगता यार। सब लोग जानते हैं हम तीनों स्टार ही हैं। तो गुरुज? अरे गुरुज को क्या बताते हो भाई, गुरुज तो सब जानते हैं, तभी तो यहाँ गुरु बन के बैठे हैं। नमस्ते अदनान जी। जाओ जी नमस्ते। अलका बेन किम छो? बहु फाइन। तभी लोगों किम छो? एकदम ढिंचक। अरे मैं तुमने ढोकला मुकला वेता तुम्हें खाता? ढोकला क्या छे? अरे तुम्हारा घरे मुकला वेता? घरे तो वो गई नहीं। हाँ एनीवेज, पर मैं ढोकला मुकला व्या ढोकले भेजे पर थाली वापस नहीं आई। थाली? थाली? अरे नहीं, अलका जी ने ढोकले की थाली वापस भेज दी थी। हाँ? जिन्होंने थाली नहीं भेजी वो कौन? मैं जय सोनी। हाँ? तो आज हमारे साथ नीलाद्री है वो घर बगाएंगे। दिशा ऐसे फ्लैट नहीं बोलते हैं, एंकर लोग कैसे ऐसे ऐसे बड़ा चढ़ा के एकदम जमा के बोलते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, सब एंकर ऐसे फ्लैट ही बोलते हैं। नहीं, कौन सा एंकर ऐसा फ्लैट बोलता है? मैं जय सोनी। अरे भाई वो अलग है, उन्होंने अपनी एक मतलब अलग कलाकारी गरीब बनाई है उन्होंने, ऐसी शैली है। हाँ, ऐसे फ्लैट बोलने की शैली बनाई है, आप उसमें मत जाइए। तो नीलाद्री जो कि बंगाल से हैं लेकिन आज गुजरात के हो जाएंगे। आज कोलकाता का रसगुल्ला हो जाएगा गुजरात का फफड़ा। तो नीलाद्री हो जाए? तमे चिंता ना करशो, हूँ तुम्हारो नाम रोशन करशो। Thank you so much. Please. All the best. All the best. Thank you.
क्या बात है नीलाद्री, क्या बात है, क्या बात है, क्या गाया है, सुपर सुपर सुपर। थैंक यू। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, जोरदार तालियां नीलाद्री के लिए। कम ऑन। और मुबारक हो, तुम तो जीत गए भाई, कहाँ इसकी ट्रॉफी? नहीं नहीं, मिल गई है, वहाँ अंदर रख दी है हमने। अरे नहीं नहीं दिशा जी, दिलीप जी, अभी ये फिनाले में पहुंचा नहीं है, नाम जीता नहीं, इसके लिए उसको फाइनल तक पहुंचना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, क्या इसे ट्रॉफी मिलेगी ना। क्या बात कर रही है, फाइनल नहीं था? नहीं, और हमको तो लगा ये फाइनल इतना बढ़िया गया, कोई बात नहीं, फाइनल में इससे अच्छा गाएगा। हाँ। बिल्कुल, आमी तुम्हाके भालोबाशी। सो दिलीप जी, दिशा जी, गुरु से कमेंट पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुजराती लैंग्वेज में आप ही पूछ लीजिए। गुरु कैलाश, शू केवू छे तमारू? बतो, मजा आउ छू और बहुत सारू छे, क्योंकि बीच बीच में हमारे सुपुत्र कबीर भी बोल रहे थे बोल बम बोल बम, तो ये बीच में ही बोल रहा था बोल बम, तो मतलब इतनी एनर्जी डाल दी नीलाद्री ने अपने गाने में कि कबीर के अंदर भी मतलब बाल शिव जाग गए। ओहो, और मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अभी गुरु अदनान, आप क्या कहेंगे? बच्चे आज तो क्या कहते हैं, आपका लिबास जो है वो इतना अलग है, आपने जिस अंदाज में गाया बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा था मुझे कि एक लड़का कोलकाता से आया है और गुजराती गाना गा रहा है। ये ही बहुत बड़ी तारीफ है कि जब आपने गाया तो हमको लगा कि गुजराती गा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, वही जब था वही सुर था, और ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मैं गुजरात के कोई गांव में पहुंच गई हूं जहां पर गांव में इसी तरह से गाने गाते हैं, शुरुआत होती ना हे काठियावाड़ी। चलो सबसे आगे